हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि शेयर को कैसे खरीदा और बेचा जाता है, यानी शेयर खरीदने और बेचने के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि शेयर को कैसे खरीदा और बेचा जाता है। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपको शेयर खरीदने और बेचने के लिए सबसे पहले डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, तो यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि शेयर को कैसे खरीदा और बेचा जाता है, वो भी आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा। तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा अपस्टॉक्स प्रो ओपन हो गया है। यहाँ पर मैंने कुछ शेयर ऐड करके रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो आप अकाउंट खुलवा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक है, वहाँ से जाकर के आप अकाउंट खोल लीजिए, तो वहाँ से आपका अकाउंट खुल जाएगा और यहाँ से आप शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। तो शेयर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ शेयर ऐड करके रखे हैं, जैसे ये यहाँ पर मैंने ये शेयर ऐड करके रखे हैं। तो यहाँ पर शेयर कैसे खरीदा और बेचा जाता है, यहाँ पर ये लाइव चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये घटते और बढ़ते क्रम में आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये TCS 162 रुपये बढ़ा हुआ है, यहाँ पर ये 43 रुपये माइनस में चल रहा है, तो इस हिसाब से ये 40 रुपये बढ़ा हुआ चल रहा है, ये 19 रुपये बढ़ा हुआ चल रहा है, ये 3 रुपये माइनस में चल रहा है, 116 रुपये माइनस में चल रहा है, 19 रुपये माइनस में चल रहा है, ये 40 रुपये प्लस में चल रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये बढ़ते घटते क्रम में चल रहे हैं। तो इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि शेयर को खरीदा और कैसे बेचा जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो प्लस का आइकन है यहाँ पर जाएंगे और आपको जो भी शेयर खरीदना है वहाँ पर जाकर के सर्च करके सबसे पहले उसको ऐड करना पड़ता है, तो वहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो मैंने काफ़ी सारे यहाँ शेयर ऐड करके रखे हुए हैं, तो इसी में मैं किसी को आपको खरीद के दिखा देता हूँ कि आपको शेयर को कैसे खरीदना है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हीरो मोटोकॉर्प का शेयर है, ठीक है ना, इसी को मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे खरीदना। तो सीधे आप क्या करेंगे, इस पर सिंपल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम शेयर खरीदने और बेचने के बारे में बात करेंगे कि कैसे खरीदा और बेचा जाता है। तो ये आपको लाइव चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये बढ़ते और घटते क्रम में आपको दिख रहा है, तो ये लाइव चल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक बाई का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाई का ऑप्शन है और यहाँ पर एक सेल का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम बाई के ऑप्शन में जाएंगे कि आपको खरीदना कैसे है। तो जैसे ही हम इस बाई के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो ये हमने क्लिक किया तो ये इस कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कितने शेयर खरीदना है ये डालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑर्डर कंपल्सरी में यहाँ पर सिंपल ही रहने देना है, और यहाँ पर जो लिमिट है ना, इस लिमिट को आपको मार्केट कर देना, क्योंकि आप जब नया नया शुरू शुरू में खरीदोगे तो इसको आपको मार्केट कर देना। तो मैं यहाँ पर मार्केट करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको मार्केट कर देता हूँ, तो ये मैंने मार्केट यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको आ जाएगा। तो ये डिलीवरी है, तो डिलीवरी आप इसको डिलीवरी में ही रहने दीजिए, क्योंकि डिलीवरी का मतलब होता है कि आप शेयर आज भी खरीद लेते हैं तो आप जब चाहें तो बेच सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 साल, 15 साल, जब तक आप रखना चाहें। लेकिन यहाँ पर यदि आपको इंटर डे कर दोगे ना, तो इंटर डे में आज का आपका शेयर 3 बजे तक में बेचना ही पड़ेगा, अगर नहीं बेचते हो तो ऑटोमेटिक वो बिक जाएगा। तो इस हिसाब से मैं आपको चलिए भर के दिखा देता हूँ, ऑप्शन भर के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने 3 शेयर मेरे को लेना है, तो मैं यहाँ पर 3 शेयर भर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर 3 शेयर भर दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 शेयर भर दिया। बाकी ये ऑप्शन इसी तरह रहने दीजिए जो ऐसा है अब, क्योंकि आप नया नया खरीदोगे तो इसी तरह रहने दीजिए। और इसके बाद आप यहाँ सीधे रिव्यू पे क्लिक करोगे, जब रिव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा कि 3 शेयर का आप खरीदना चाहते हो, डिलीवरी पे खरीदना चाहते हो, ऑर्डर टाइप आपका मार्केट है और यहाँ पर वैलिडिटी डे है। और इसके बाद आप सीधा यहाँ पर बाई पे क्लिक करोगे, तो यदि आपके पास अकाउंट में पैसा है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। इसी तरह सेम टू सेम सेल का ऑप्शन है, इसी इसके बारे में हम कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा A to Z समझाएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ खरीदने और बेचने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप सेल करोगे
तो सेल करने के भी सेम टू सेम वैसे ऑप्शन है, तो सीधी आप इसमें सेल पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप सेल पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का सेम टू सेम उसी तरह का इंटरफेस आता है। आपको कितने से सेल करना है वो आपको यहाँ पर भर देना है। जो यहाँ पर आप जितने शेयर डालोगे और बाकी सब इसी तरह रहने देना, तो आप उतने शेयर यहाँ पर रिव्यू में क्लिक करके और सेल कर सकते हो। तो जब सेल का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आपने 3 क्वांटिटी डाल दिया है और यहाँ पर रिव्यू पे क्लिक करते हो, तो इस तरह से ये सेल का ऑप्शन आ जाएगा कि आप कितना बेचना चाहते हैं। तो हमने 3 क्वांटिटी भरा हुआ है, मार्केट टाइप दिया हुआ है, डिलीवरी में है और ये वैलिडिटी डे है, तो इस हिसाब से आप शेयर को खरीद और बेच सकते हो। तो आप शेयर मार्केट से भी पैसे कमा सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको डीमैट अकाउंट का होना। तो डीमैट अकाउंट आप कहाँ से खोलोगे, तो यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसी लिंक पे आपको वीडियो आप लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अकाउंट ओपनिंग में कुछ दिक्कत आती है, तो आपको यहाँ पर मेरा नंबर रहेगा, वहीं से डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, तो वहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं और आपको अपस्टॉक की टीम भी अकाउंट खोलने में सहायता करेगी। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, तो आपको पूरा हेल्प कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर जानकारी अच्छी लगी होगी।